रोशनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू हंटर बाबू। मुझे इनकी भड़कदार गोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी, जय जवान की जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ऐसे ही मिलने आ गई मैं। बोलो क्या बोलना है? अरे बंटी से पूछता है, लगाता चल रहा है। कुछ बताया उसने? नहीं अब तक तो कुछ नहीं। एक खबर भी नहीं बन पाओगे। छोटन छोटन ने मिलाया था साहब हमें उस आदमी से, वो हमें पैसे देता था। सुनते ही फॉर्म में इतना तेजी आ गया। वो क्या है ना, थोड़ा सा आपको एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई, चलो दे इंतजार नहीं है, रहो हट जाओ भैया, आओ। सुरीली ने यहाँ आने का समय निकाल ही लिया। अच्छा उनका यहाँ आना भी जरूरी था। बहुत खूबसूरत है। अरे आइए आइए नेहा जी, आपने तो बीसीसी के भाग ही जगा दिए, और नेहा जी को लाने के लिए धन्यवाद। आज ये फाइनली आपके हाथ की कॉफी पिएंगे। अरे शोका, तुम दोनों गांव से पैदल पैदल ही घूम रहे हो। अरे हमने सोचा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और इसी बहाने मैं पूरा गांव भी देख लूंगी। ये गांव आपका एहसान मंद रहेगा नेहा जी। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। चलो अच्छा हुआ अवतार, तुम नेहा जी को लेकर वीसीसी पर आ गए। क्या सही बात है। अशोक प्लीज डोंट कॉल मी नेहा जी, ओनली नेहा। ओके नेहा। कॉफी? हाँ। तो सुरीली देर किस बात की है? बस कॉफी का दूध उबल ही रहा है। अरे ये तो मुझे पहले से पता था, सुरीली जी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, तुम दोनों को देखते ही सुरीली समझ जाती है कि कॉफी बनानी है। बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आप दोनों की सुरीली के साथ। ये आप हमारी प्रशंसा कर रही हैं या तंज कस रही हैं? हम तो प्रशंसा में ही विश्वास रखते हैं अवतार बाबू। ठीक है मैडम। अरे ये सब तो चलते रहेगा, आप लोग बैठिए ना, हम अभी कॉफी लाते हैं। अरे एमएलए भैया नमस्कार। नमस्कार अशोक बाबू। नमस्ते डब्लू जी, आपके आने की खबर है गांव में। हाँ हम आ गए अपने गांव, अब हम खेती भी शुरू कर देंगे। डब्लू भैया कल से आप एक ही बात दोहरा रहे हैं, खेती करेंगे खेती करेंगे। सच तो कह रहे हैं।
उनसे हमको भी मिलवाओगे या इशारेबाजी में ही लगे रहोगे? अरे परिचय की इतनी जल्दबाजी में क्या है, पहले सांस तो ले लीजिए। बात सांस की नहीं है, वो आप अंग्रेजी में क्या कहती है? हाँ, मैनर्स की बात है। देख रहे हो डमरू भैया अंग्रेजी बोल रहे हैं। अरे भैया, हम तो भूल ही गए आपका परिचय कराना। इसलिए चौबे चाचा बोलते हैं कि तुम दवाई खाओगे तो तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी। हाँ डमरू भैया, हाँ ये है रंगीली भौजी की बहन सुरीली जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, अब आप भी अपना परिचय दे दीजिए। वाह क्या सुंदर नाम है आपका, सुरीली नाम है आपका या फिर सुर में गाती भी है आप? नहीं नहीं, हम गाते होते नहीं हैं, हमारा सिर्फ नाम है सुरीली है। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। सुरीली जी, ये है डमरू भैया, कमाने गए थे अलीगढ़ और अभी गांव आए हैं खेती करने के लिए। अधीर तुम बीच में काई बोल रहे हो, घर आ जाओ। पर इनका नाम तो बेचैन बाबू है ना? अरे असल में इनका नाम मोतीलाल अधीर है, अधीर में बेचैन छुपाए जी। अच्छा। वाह भैया वाह, अधीर में ही बेचैन छुपाए, वाह वाह। डमरू जी आप तो बिल्कुल एमएलए की तरह कविताएं सुना रहे हैं। ये कविता कौन है? अरे भैया ये कविता किताब वाली है। या किताब वाली कविता? हाँ। तुमने तो मैं नहीं बताया है? लीजिए, कविता से इन्होंने आपको मिलाया ही नहीं। अरे रे 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 रे। अरे भैया बुलावे मत आइए, ये कविता किताब वाली है। या किताब की दुकान वाली कविता है? तुमने तो हमें बताया ही नहीं। अरे भैया ये किताबों में लिखी कविता की बात हो रही है। ओके। सुरीली जी दो कप चाय बना दीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी लाते हैं। भैया कॉफी लीजिए ना। अरे अवतार जी, भैया को कड़क चाय पसंद है। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू जी। और बाकी लोग क्या पियेंगे, हवा? ये तो आप इन सब से पूछ लीजिए डमरू बाबू। आप चाय पीजिए, हम लोग के लिए कॉफी है। ओके जी। और ये रही आप लोगों की कॉफी। थैंक यू। क्या कड़क चाय है, दिल खुश हो गया। चाय तो हम पहली बार पी रहे हैं सुरीली जी। शुक्रिया। ओके। कॉफी भी लाजवाब है, मन तो कर रहा है हम रोज आकर इसकी कॉफी पिए। अरे तो फिर आ जाइए ना, इसी बहाने अशोक जी और अवतार भी आएंगे और फिर हमारी कमाई भी होती रहेगी, है ना? सुरीली जी हमारा आना तो पक्का, सुबह शाम रोज आएंगे हम। अरे क्या बात है। Thank you.
सुरीली जी जी, बहुत ही बढ़िया कॉफी बनाया आपने जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। अरे हम अपना पैसा दे रहे हैं अशोक जी। कल दे दीजिएगा। ओके ठीक। चलो भाई अब चलते हैं। बंटी ने अपना मुंह खोल दिया। गुड। वो बीड़ी सिंह के आदमी छुट्टन का नाम ले रहा था। हमें तो पहले से ही शक था। अभी छुट्टन को पकड़ना सही नहीं रहेगा। अभी सिर्फ उस पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है। ए, वो नानी को दोपहर के खाने से पहले दवाई खिलानी होती है। तो फिर गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बहुत ही मजा आ गया है ना। क्या कॉफी थी भैया। डमरू भैया, हाँ आपने गांव आने का फैसला बड़ा सही किया है। पहले गलत था क्या गांव आना? नहीं, गांव तो अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा, पर हमारा मतलब खेती से था। तो क्या, अरे आपको सरकार की सभी योजनाओं का बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। कृषि और किसान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यही सोचकर तो हम शहर से लौटकर गांव आए हैं। लेकिन आ तो पहले जाते थे, ये मोतीलाल धीरे ना रांची चला गया था। अरे आ गए ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, अब हम दोनों भाई मिलके अवतार, हंटर चाचा और सिनोरिया चाची की तरह कमाल करेंगे। हाँ, अब सरकार ना किसानों के लिए बहुत फायदा कर रही है। किसान सम्मान निधि का सीधा पैसा अकाउंट में जाता है भैया। अरे सही सुने हैं डमरू भैया, 6,000 रुपया सरकार द्वारा किसानों के खाता में सीधा आता है और उस 6,000 से किसान खाद और बीज खरीदते हैं। लेकिन खाद केवल जैविक इस्तेमाल कीजिएगा। अरे यही सोचकर तो आए हैं, खेती करेंगे तो सिर्फ जैविक खाद से। हाँ। पहले खेती तो शुरू कीजिए। समझ लो कर दी। अवतार। हाँ? हमने अपना फोन बीसी से भुलाए हैं। अरे तो कोई बात नहीं, हम लेके आते हैं। अरे रुकिए, मैं जाता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं अवतार, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लेके आते हैं। पक्का? या 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 टाइम पे आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए। हाँ? ये नेहा कौन सी पढ़ाई पढ़ने आई है? अरे भैया बड़का अधिकारी वाला पढ़ाई कर रही है। ओके I got it. तो चलिए चलो खेती कीजिए। चलिए कल रात हमने हेडक्वार्टर बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई। हेडक्वार्टर से मुझे मैसेज मिला है, बंटी ने अपना मुंह खोल दिया। बीड़ी सिंह के आदमी छुट्टन का नाम ले रहा था। हमें तो पहले से ही शक था कि बीड़ी सिंह के यहाँ से ही ऑपरेट होता है। तो एक काम करते हैं ना, छुट्टन को ही पकड़ लेते हैं। नहीं, अभी छुट्टन को पकड़ना सही नहीं रहेगा। अभी सिर्फ उस पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है,
क्या बात करता है, उसके थ्रू हमें बड़ी मछली को पकड़ना है। Yes, you're right. तुम यहाँ नजर रखो, मैं बाहर घूमकर असली जड़ों को ढूंढती हूँ। ओके, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। मैं चाहती हूँ। ओके, आई वेटिंग फॉर यू। बाय। हाँ बेटा, अब तो आराम है। नानी, कई बार गैस की वजह से ना एसिडिटी भी हो जाती है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। आज हम टहले भी नहीं ना, तो इस वजह से कुछ ज्यादा हो गया। टहलना तो सबसे अच्छा व्यायाम है। आजकल डॉक्टर दवाई देने के साथ साथ खान पान सही रखना और टहलने की भी सलाह देते हैं। हाँ, तभी तो गाँव के लोगों को ये गैस वैस की बीमारी नहीं होती ना। दिन भर गांव के लोग काम करते हैं। हाँ। बीमारियां कोसों दूर रहती हैं उनसे। बिल्कुल, और रहेंगी भी क्यों ना, क्योंकि सरकार ने आयुष्मान योजना जो शुरू कर दी है। सरकार ने भी ना बीमारियों को इशारा कर दिया है, तुम डाल डाल तो हम पात पात। बेटा अब हम थक गए। थक गए आप? हाँ बेटा, उम्र भी तो है ना। हमें तो आपके ऊपर उम्र का कोई असर ही नहीं दिखता। अरे बच्चे, तेरी दुआ लगे। अरे अरे, अभी अभी आए जनाब, और किधर चल दिए? अरे वो नानी को दोपहर के खाने से पहले दवाई खिलानी होती है। तो फिर खिलानी जरूरी है। नानी आप हंस रहे हो, मम्मी को पता चल गया ना, तो आपको पता क्या होगा। चिंता मत करो आंटी, कुछ नहीं कहेंगी। देख, नेहा पहले ही ले आई दवाई मेरी। नानी, अब ना चिंता की कोई बात ही नहीं। अगर मैं दवाई खिलाना भूल गया तो नेहा खिला देगी, है ना? अगर मुझे याद नहीं रहा तो नेहा याद दिला देगी। मतलब आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, है ना? यस। तो चलिए, आप जल्दी वहाँ जाके बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। चलिए नानी, दवाई खाते हैं। चलिए आइए। नानी जी। नानी, अब तो दवाई खानी पड़ेगी। चलो चलो, क्या है, जब देखो दवाई खिलाते रहते। चलो चलो चलो, मैं चाय पिलाऊंगा इसके बाद। चलो चलो, गुड गर्ल। हां, जल्दी जल्दी जल्दी। छोटे भाई से शर्मा कह रहे हैं। अरे बता दीजिए भैया। अरे बता दीजिए ना, बताइए ना। छोड़ो ये सब, ठीक है चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे भी कोनो उम्मीद मत रखिएगा, हम भी अपना बात नहीं बताएंगे आपको। तुम हमको ब्लैकमेल कर रहे हो? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चाय की दुकान पर जो रंगीली भौजी की बहन है ना, वो क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोल भी दीजिए।
आप जो बोल रहे थे ना कि रंगीली भौजी की जो बहन है सुरली, उसके बाद क्या? अरे जाने भी तो बेचैन बाबू, जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? भैया आप बहलाइए मत, सच को अपने अंदर से बाहर निकालिए। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। बताइए ना भैया, अरे बताइए ना, वो ना बहुत अच्छी है। कमाल करते हैं डमरू भैया, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिए। अरे हमको लगा कि आप बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं। ये छोटी सी बात है, कोई सुंदर सी अच्छी सी लड़की हमको चाय पिला रही थी। इतना खुश मत रहिए भैया, वो सिर्फ आपको चाय नहीं पिला रही थी, वो सबको चाय पिलाती है। तुम इतना चिड़का रहे हो भाई। कहाँ चिड़ रहे हैं, खुद को दरोगा समझ लियो, जो हमको चोर की नजरों से देखे जा रहे हो, कुरेदे जा रहे हो। क्या डमरू भैया, हम तो आपसे राज की बात जानना चाह रहे थे। हमारे पास कहाँ से राज की बात आई, हमारे पास तो सिर्फ आज की बात रहती है। हाँ भैया, हम दोनों हैं तो चचेरे भाई। हाँ है तो इसमें नया क्या है, लेकिन रहते रहे हैं दोस्त की तरह। दुनिया जानती है, इसीलिए ना भैया खुल के पूछने का हक है हमारा। अरे भाई इतनी बाउंड्री क्यों बना रहे हो, सीधा चौका छक्का मारना है क्या? अरे वो भी आजमा लेते हैं भैया। एक बात पूछूं? सस्पेंस तो तुम पैदा कर रहे हो। अच्छा अलीगढ़ में तो आप कई वर्षों से रह रहे हैं ना? हाँ। पूछो ना यार, सच सच बताइएगा तो वह कौन लड़की पसंद आई है क्या? अरे अपने छोटे भाई से शर्मा कह रहे हैं। अरे बता दीजिए भैया, अरे बता दीजिए ना, बताइए ना। छोड़ो ये सब, ठीक है चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे भी कोनो उम्मीद मत रखिएगा, हम भी अपना बात नहीं बताएंगे आपको। तुम हमको ब्लैकमेल कर रहे हो? भैया बता दीजिए ना, अरे कौन सी आपकी बात को हम लाउड स्पीकर लगा के गांव भर को सुनाने वाले हैं? बता दीजिए। क्या करेगा मिलती है? अरे भैया जी बता दीजिए। अरे बता दीजिए। अरे बताइए ना। बता रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारी दुकान के बगल में ना एक पान की दुकान थी। अच्छा। हाँ वही ना, गुलकंद वाला मीठा पान खाने के लिए एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की आती थी। हाँ। अच्छा। हाँ। तब तो आपके दिल में कुछ कुछ होने लगा होगा। नहीं, हमको देख के मुस्कुराती थी। हाँ। तब तो आपके दिल में सितार बजने लगा होगा। ऐसे ही बजा। रहने दो, सब आज ही रह जाओगी क्या? और तुमको हंटर बाबू से भी तो मिलना है ना। अच्छा ठीक है। हाँ। लेकिन आज की बात अधूरी नहीं, उधार रही भैया, ठीक है? ओके ओके ओके, चलिए चलिए चलिए। चाची आपके दियो संस्कार इस हमारे साथ रहेंगे, बस आप अपनी कृपा दृष्टि वही बनाए रहे। को ऐसा कभी नहीं हुआ, देखो और फोन उठाए कहीं जीवन पर कोई संकट तो नहीं आ गया।